खान लाल ने सिर्फ तेरी दादी को मिलने की इजाजत दी है बस। अगर मेरा पोता नहीं जाएगा तो मैं भी अपनी बेटी से नहीं मिलूंगी। चलो बेटा। नहीं दादी, आप जाओ, मैं यहीं हूं। बेचारा हुकुम का गुलाम। फायदा, हुकुम के बगैर तू चला भी नहीं सकते। बैठ। माशाल्लाह, जब तुम गई थी इतनी ही थी ना। मैं तो भूल गया, तुझे तो इसके चलाने के लिए भी हुकुम का इंतजार होता है। हुकुम की कुर्सी पर बैठा हूं इस वक्त। निशाना दिखाऊं? मैं डर गया। जब तुम घर से निकली थी ना तो इतनी ही बड़ी थी। माशाल्लाह, अब तुम्हारी बेटी भी उतनी बड़ी हो गई है। शामिल खान भी बड़ा हो गया है। अब 3 दिन से जिद कर रहा है कि दादी चल चल के अपनी बेटी और नवासी को मिला। तो मैंने उसे कहा, जब गुल हयात ने मेरी बेटी को ही नहीं मुझसे मिलने दिया शादी के बाद, तो हमें कैसे बर्दाश्त करेगा। जब जिरगे से मिलकर बात की तो फिर रास्ता निकल आया। मैंने सोचा जिंदगी का क्या पता, मैं चलकर अपनी बेटी को मिलाऊं। कैसी बात करती है मोरे,
अल्लाह तुझे सलामत रखे। शामिल भी आया है क्या? वही तो लेकर आया है मुझे, लेकिन शाह जमान ने उसे बाहर ही रोक लिया। क्यों? दुश्मनी की हदें अभी खत्म नहीं हुई बेटा, पता नहीं अभी कितनी जाने और जाएंगी। देखिए फना पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।